अंकल जी के साथ में जो बतख है और अंकल जी के साथ में रहती है, अजमेर के रहने वाले जो अंकल जी है और काफ़ी समझदार बतख है। अंकल जी के अलावा जो है किसी के साथ नहीं जाती, जहाँ भी अंकल जी जाते हैं अंकल जी के साथ में जाती है। नहीं, अपन तो अपने पर्सनल खुद ही अपने जानवरों को ही देते हैं। इसके अलावा और नहीं, अगर कोई आपको पैसे भी देगा भाई ट्रेनिंग देना चाहता हूं, अपन तो अपने खुद के पर्सनल जानवरों को ट्रेनिंग भी नहीं दोगे आप? अपने पर्सनल जानवरों को देता हूं। देख सकते हो भाई काफी अच्छे जो है बतख है, किसी और से अभी ये तो बोले ही चलती है मेरे साथ में। बचपन जो पाली है इसे मैं अजमेर में भी जाऊँगा ना तो अजमेर जाएगी पैदल। सब देखने लग जाते होंगे अजमेर में, अजमेर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। चलना आप देख सकते हो जहाँ पे भी अंकल जी जा रहे हैं अंकल जी के साथ साथ में जो है बतख जा रही है और अपनी खुद की औलाद भी जो है इतना कहना नहीं मानती जितना अंकल जी का जो है बतख कहना मान रही है, और अंकल जी के अलावा जो है कहीं पे भी नहीं जाती। सर जी धन्यवाद। देख सकते हो काफी बड़ी समझदार बतख है। अंकल जी के जो है साथ साथ में बतख चल रही है, एक बार अंकल जी से जो है बात कर लेते हैं। अंकल जी कहाँ के रहने वाले हो आप? अजमेर। अजमेर के रहने वाले हो आप और यहाँ पे मेला घूमने आए हो? बतख को भी मेला घुमाने लेकर आए हो? फिर आप और अपन ने घोड़े भी लगा रखे हैं। घोड़े है आपके यहाँ पे पुष्कर मेले में बेचने के लिए लेकर आए हो? दो लगे। अच्छा दो लगे हुए हैं, तो फिर और जानवर पालते हो? इसके कोई भाई बहन और है? अच्छा हो गए। बाकी इसके अलावा मतलब अभी कुछ और बतख है आपके पास? मेंढे हैं, सिंगल मेंढे हैं, दंगल वाले। अच्छा दंगल करवाते हो आप? अच्छा बाकी अंकल जी जो है घोड़े भी पालते हैं और काफी समझदार बतख है। एक बार अंकल जी चल के दिखाओ आप। देख सकते हो अंकल जी के जो है साथ साथ में ये बतख चलती है, काफी समझदार बतख है। और जहाँ भी अंकल जी आप जहाँ भी जाते हो साथ में चलती है आपके, देख सकते हो भाई। जहाँ भी अंकल जी जा रहे हैं अंकल जी के साथ साथ में जो है ये बतख जा रही है, काफी समझदार बतख है अंकल जी की।